हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो कल यानी कि 20 दिसंबर 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले गाइस, अपने 19 दिसंबर को जो ट्रेड दिया था उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो उसमें पहला स्टॉक था FCL, जो क्लियर कट बोला था कि 359 के ऊपर स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है, तो अभी देखोगे तो 360 के आसपास ही है। तो वो रनिंग है क्योंकि स्टॉप लॉस भी हुआ नहीं, टारगेट नहीं है, तो होल्ड करके रखना है। दूसरा स्टॉक था TTK प्रेस्टीज, जो 755 के ऊपर अच्छी रैली दिखाएगा, 760 के आसपास चल रहा है, तो वो स्टॉक भी अभी रनिंग है, टारगेट आया नहीं, स्टॉप लॉस आया नहीं, इसीलिए। ICIL में क्या हुआ था, इंडो काउंट इंडस्ट्री, इसमें क्लियर कट क्या बोला था कि स्टॉक को ऊपर जाएगा तब एंट्री करना है, लेकिन देखोगे तो आज उसका लेवल 296 के ऊपर स्टॉक गया ही नहीं, और जो 287 का लेवल दिया था उसके नीचे स्टॉक पहले चला गया, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो गया। इनवैलिड सेटअप का मतलब है कि वो स्टॉक को आपको अभी छोड़ देना है, उसमें अपने लेवल वो वैलिड काउंट नहीं रहेंगे। भारतीय एयरटेल क्लियर बोला था कि 999 के ऊपर ही बाय करना है, तो आज देखोगे तो स्टॉक गया ही नहीं, इसलिए कॉल एक्टिव नहीं है। नॉट एक्टिव का मतलब हुआ कि बाइंग लेवल जो दिया था और स्टॉप लॉस लेवल दिया था, दोनों के बीच में स्टॉक ने पूरे दिन ट्रेड किया, नहीं तो ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, इसीलिए कॉल भी एक्टिव नहीं है। वेरोक इंजीनियरिंग भी नॉट एक्टिव है, क्योंकि उसमें भी जो बाय ऑन डिप बोला था लेकिन स्टॉक ने वो लेवल दिखाया नहीं, इसलिए नॉट एक्टिव है। तो ये कल का परफॉर्मेंस हो गया। अभी अपने चलेंगे 20 दिसंबर के ट्रेड देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। तो गाइज, आप वीडियो पूरा देखना। आज मैं आपको 14 ईयर्स का ब्रेकआउट वाला एक स्टॉक, यानी कि जो एक स्टॉक है जो 2010 में हाई मारा था, उसके बाद बैक टू बैक वहां से रिजेक्शन मारा था, लेकिन अभी 2023 में स्टॉक वहां से ब्रेकआउट देने का फुल चांस है, यानी दे ही चुका है ब्रेकआउट। तो कैसे ऐसे 14 ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक को मैं कैसे आपको बताता हूँ कि कहाँ पे स्टॉप लॉस और छोटे से रिस्क से अपने को एंट्री करनी है। इसमें अगर स्टॉप लॉस भी हो गया तो भी छोटा सा रिस्क आएगा, लेकिन अपने फेवर में स्टॉक चला गया तो बहुत अच्छा आपको लॉटरी लग सकता है। तो वीडियो आप पूरा देखोगे तो वो भी स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अपने चलेंगे कल के यानी कि 20 दिसंबर के स्टॉक रहेंगे, उसमें पहला स्टॉक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, वेस्ट लाइफ रहेगा। वेस्ट लाइफ को आपको क्या करना है, डेली चार्ट के ऊपर आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है ध्यान से देखोगे तो, चार्ट मैंने छोटा करके रखा है, तो यहाँ पे आपको डेली चार्ट में स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, वेस्ट लाइफ स्टॉक का नाम है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट था और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बैक टू बैक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत हाई चांस है, यहाँ पे देखोगे तो 2, 3, 4, 5 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है डेली चार्ट में, तो ये अच्छा साइन होता है कि स्टॉक वहां से रिवर्सल मार सकता है। अभी अपने चार्ट थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि स्टॉक में एंट्री कब करनी है। तो आज का कैंडल देखोगे तो सपोर्ट कैंडल है, तो आज की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है, यानी आज के कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। कल स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए, ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा तो कॉल एक्टिव होगा, अगर स्टॉक दोनों के बीच में ही रहा तो वो नॉट एक्टिव में काउंट होगा, अगर नीचे का लेवल पहले ब्रेक किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तीनों आपको याद रखने वर्ड अपने जो भी नॉर्मली यूज करते हैं, एक्टिव, इनवैलिड और नॉट एक्टिव। तो ये हो गया वेस्ट लाइफ, अभी 826 के आसपास है, तो 842 के ऊपर अच्छी रैली आ सकती है। अपसाइड में आराम से 900 का टारगेट स्टॉक दिखा सकता है, 818 के स्टॉप लॉस से एक वीक आपको होल्ड करके रखते हो तो आराम से स्टॉक में अच्छी रैली ऊपर की साइड स्टॉक दिखा सकता है। तो अपना पहला स्टॉक हो गया, जो आपको करना क्या है, कंडीशनल बाइंग है, यानी कि स्टॉक में अच्छी रैली कब आएगी, 842 के ऊपर ही आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी गाइज मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में भी आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन उसका ब्रेकआउट कैंडल मिला, ब्रेकआउट के बाद पूरा सप्लाई जोन क्या हो जाता है, डिमांड जोन का काम करता है, तो यहाँ पे स्टॉक ने डिमांड लेके फिर से ऊपर गया और फिर से स्टॉक यहाँ पे आए। तो अभी उसका ये मतलब नहीं कि डिमांड जोन यहाँ तक है तो ये स्टॉक को यहाँ तक गिनने का ऐसा कोई कंपलसरी रोल्स नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। जब भी ये डिमांड जोन इतना बड़ा डिमांड जोन है तो अगर स्टॉक कोई भी लेवल को टच करता है तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी अपने को यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है और जो डिमांड जोन में वहां पे भी स्टॉक ने आज क्लोज दिया, तो यहाँ से बाउंस बैक आने के बहुत हाई चांस है। नीचे से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी एक बार सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट है और आज भी देखोगे तो स्टॉक ने
ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी कोई ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो ये एरिया को आप रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो, यहाँ से ऊपर जाने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी CMP देखोगे तो 948 के ऊपर है, तो स्टॉक में आज का हाई यानी कि 975 के ऊपर अच्छी रैली आ सकती है और आज का लो है 945। स्टॉक दोनों के बीच में कल ओपन होके अगर पहले लेवल ऊपर का ब्रेक करेगा तो कॉल एक्टिव हो जाएगा, अगर दोनों के बीच में कल ओपन होता है और नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो वो अपना इन्वेलिड सेटअप हो जाएगा। तो 975 के सीधा 1020 के लेवल स्टॉक दिखा सकता है 1 से 3 दिन में, तो वो आपको ध्यान में रखना है, कॉल एक्टिव का वेट करना है, कंडीशनल बाइंग रहेगी। तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया। अभी गाइस मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा, उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो गाइस। अपने लाइव मार्केट में भी यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में आज एक कॉल दिया था 21,365 के ऊपर, उसके बाद 21,400 और 450 के टारगेट थे, वो आराम से निफ्टी ने अचीव किए, उसके बाद 21,500 भी निफ्टी गई थी। तो यहाँ पे देखोगे तो रिस्क कितना था, सिर्फ 30 पॉइंट का था और अपने फेवर में स्टॉक गया तो 85 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। तो लाइव मार्केट में आपको निफ्टी के भी ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। उसके अलावा भी अपने जो 25 ट्रेड चैलेंज चलाते हैं उसका भी RPG लाइफ साइंस 1325 पे कल बाय बोला था, 1360 चल रहा था, तो वो भी यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आपको ये सब अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है गाइज। तो उसके अलावा गाइज अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, 3 कदम सेटअप पे एक स्ट्रेटजी है वो भी आपको मिलेगा, और प्रॉपर ट्रेडिंग फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग फॉलोअप यानी कि अगर कोई स्टॉक मैंने आपको दिया है अगर उसमें अच्छा लग रहा है तो उसको टारगेट मॉडिफाई करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, क्योंकि जितना हो सके उतना अपने को मैक्सिमाइज रिटर्न करना है और लॉस को कट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम अपना 1:2 तो होता ही है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में सब टारगेट, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाने का ट्राई करते हैं। तो ये सब आपको नॉमिनल चार्ज में सीखने को मिलेगा। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो कल्याण ज्वेलर्स रहेगा। क्लियर कट यहाँ पे भी आपको चार्ट पैटर्न में सप्लाई डिमांड सेटअप भी दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर। स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो अभी CMP देखोगे तो 315 है, यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है, स्टॉक ऐसे रिजेक्शन मारा ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, तो आपका ये पूरा जो सप्लाई जोन था यहाँ पे डिमांड जोन का काम करेगा और स्टॉक ऐसा ही कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आता है तो बाउंस बैक करता है, यहाँ पे आया बाउंस बैक किया, लेकिन अभी देखो यहाँ पे अपने को ये पता चल गया कि ये स्ट्रांग डिमांड जोन यहाँ तक है 304 तक है, तो अभी स्टॉक 315 चल रहा है। तो अगर मुझे, क्योंकि ऊपर समझो कि टारगेट मुझे यहाँ पे समझो कि ऊपर की साइड टारगेट अभी 325 के ही लाने हैं, तो अगर अभी आप 315 पे बाय करोगे तो कितना टारगेट आएगा, 10 पॉइंट का आएगा, रिस्क आपका कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट का हो जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैच होगा, नहीं होगा। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का करना है तो क्या करना है, या तो आपको टारगेट बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको सस्ते में बाय करना पड़ेगा। तो अभी अपने स्टॉप लॉस मुझे पता है कि 303 का है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टॉक को गिरने दूंगा और 310 के आसपास बाय करूंगा, 310 पे बाय करूंगा, 303 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 7 पॉइंट का और मेरा टारगेट तो वही 325 का ही रहने वाला है। तो अभी 310 पे मैं बाय करूंगा तो मेरा टारगेट कितना आएगा, यहाँ पे आराम से 15 पॉइंट का आएगा, तो आपका ऑटोमेटिक आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच हो गया, क्योंकि पहले 315 पे बाय कर रहे थे तो आपका 10 रुपीज का ही टारगेट आ रहा था, क्योंकि 315 प्लस 10 करोगे तो 325 आ रहे थे। अभी आप स्टॉक को सस्ते में बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, 1:2 का आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो कल्याण ज्वेलर्स को गिनने देना है 310 के आसपास, कल परसों जब भी मिलता है तो एंट्री कर सकते हैं, 303 का आपका स्टॉप लॉस, अपसाइड में 325 के टारगेट स्टॉक दिखा सकते हैं। अभी गाइज मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक ऐसा बताऊंगा जिसका नाम है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में क्या हो सकता है, आपको क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो कर्सर नीचे देखोगे तो सितंबर 2010 में स्टॉक ने कितना हाई मारा था, 326 का हाई मारा था, उसके बाद देखो स्टॉक में फिर से यहाँ पे देखोगे तो फिर से 314-15 का हाई 2013 में मारा, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखोगे तो आपको 334-35 का हाई 2014 में फिर से स्टॉक ने मारा था, और यहाँ पे देखोगे तो 2023 में अक्टूबर मंथ में भी स्टॉक ने 340 के आसपास हाई मारा था, यानी कि मल्टीपल टाइम स्टॉक क्या कर रहा था,
300 मोटा मोटी ले लो तो 315 से लेके 340 के बीच में स्टॉक क्या कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। लेकिन इस बार देखोगे तो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो कितना है, 341 के आसपास है, और स्टॉक ने अच्छे से क्लोज भी दिया है, तो अच्छा साइन है। पहले तो डेली क्लोज अच्छे से मिल गया है, अभी ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2010 से लेके 2023 चल रहा है, तो आराम से 14 साल हो चुके हैं, तो अभी 14 साल का ब्रेकआउट स्टॉक दे रहा है। तो अभी ऐसे स्टॉक को मुझे अगर करना है छोटे से, तो मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, जैसे कि 2 घंटे में जाऊँगा। 2 घंटे में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी रेड कैंडल है रिसेंटली उसका लो लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम ये वाला जो उसका रिजेक्शन आया था, और यहाँ पे आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, तो रिसेंट में देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया था, उसके बाद 2 घंटे में रेड कलर की कैंडल बनाई थी, फिर से स्टॉक ऊपर चला गया। यानी कि मैं उसको क्या बना दूंगा, स्टॉप लॉस बना दूंगा। छोटे से स्टॉप लॉस से आप क्या कर सकते हो, कल ओपन प्राइस पे ही ये स्टॉक को बाय कर सकते हो। स्टॉक का नाम है ऑयल इंडिया, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कितना आएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो रेड कलर का कैंडल का लो है 332.55 है, तो आपका क्लियर कट हो गया। ऑयल इंडिया कल आपको ओपन प्राइस पे बाय करना है, 332 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे ही आपका कॉल एक्टिव हो जाता है समझो ओपन प्राइस पे, तो आराम से ये स्टॉक आप अगर एक वीक होल्ड करके रखोगे तो 365 से 370 के लेवल स्टॉक दिखाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना हो जाएगा, मोटा मोटी 7-8 रुपीज का हो जाएगा, लेकिन अब अपने फेवर में चला गया है तो आपको 30 रुपीज का गेन मिल सकता है। ऑयल इंडिया स्टॉक का नाम है, आपको ध्यान में रखना है, 332 के स्टॉप लॉस से आपको एंट्री करनी है ओपन प्राइस पे। गाइज तो मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बता दिए, 4 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपको एंट्री करनी है, और कुछ सीखने का ट्राई करना है कि अपने यहाँ पे क्यों एंट्री कर रहे हो, उसके पीछे का मैंने आपको प्रॉपरली लॉजिक बताया गाइज। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना जो 25 ट्रेड चैलेंज है उसमें 3 नंबर का ट्रेड अपने 18 दिसंबर को कल ऐड कर लिया था, RPG लाइफ साइंस 1325 पे, और अभी चल रहा है 1357 पे। तो अभी अपने इसमें क्या करेंगे, अपने 2 पोजीशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, मोंटी कार्लो 712 और 1357। तो अभी अपने इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको 1 महीना बैठना है, लेके 770 आएगा मोंटी कार्लो में, या तो 686 आएगा तब क्लोज करेंगे। और इसमें RPG में क्या करेंगे, 1458 का यानी कि 10% का अपना टारगेट आएगा, या तो 1299 का स्टॉप लॉस आएगा तब भी अपने एग्जिट करेंगे, अदरवाइज बीच में कुछ नहीं करेंगे। बहुत बोरिंग सेटअप है, लेकिन इसमें अगर आप डिसिप्लिन के साथ होल्ड करोगे तो आप 10-20 ट्रेड के बाद देखोगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि देखो मार्केट में जितना बोरिंग लगेगा वही आपको अच्छा रिवॉर्ड दे पाएगा, जितना एडवेंचर करने जाओगे रोज छोटा छोटा करने जाओगे तो वो आपसे लॉस होगा, ओवर मतलब ट्रेडिंग भी हो जाएगी, ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, और दिमाग का मतलब दही हो जाएगा आपका समझो कि उसमें, क्योंकि रोज आप इंट्राडे में मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा है तो लेके आराम से बैठो और आराम से इसमें टारगेट आपको मिलेगा तब एग्जिट करना, या तो स्टॉप लॉस मिले तब एग्जिट करना। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में। तो गाइज वीडियो को लाइक करके जाना, थैंक यू, बाय बाय।